सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि i20 जो 2013 मॉडल है उसमें i20 स्पोर्ट्स में टाइम कैसे सेट करते हैं, तो ये इसके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नॉब्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है जिससे आप अपनी टाइम वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सेट का बटन है, तो आपको वो बटन सेट वाला जो है, पहले तो आपको इस स्क्रीन पे आ जाना है। इस स्क्रीन पे आने के लिए आप अपने ये पावर वाले PWR पुश बटन को जो है जब एक बार प्रेस करेंगे, तो आप स्क्रीन में देखिए मैं जब उसको प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पर स्क्रीन चेंज हो रही है। तो आप जो है उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस सेट बटन को थोड़ी देर तक जब प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ये वाली स्क्रीन पे आ जाएगा और ब्लिंक करने लगेगा। तो जब आप ये ब्लिंकिंग स्टेट पर आ जाएं तो आपको जो इसके नीचे जो दो बटन लगे हुए हैं अप एंड डाउन के, उनका यूज करना है और आपका जो सेट बटन है उसको प्रेस करके ब्लिंक करिए और आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैं भी सेट कर रहा हूँ, आज है 13th फेब, तो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए और एक बार और सेट बटन आप दबाएंगे तो आप मंथ वाले सेटिंग में आ जाएंगे और उसके बाद ईयर वाले में आ जाएंगे। तो आप इसको थोड़ी देर तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 2022 है, हम सेट कर देते हैं। फिर आप एक बार सेट करेंगे तो ये किलोमीटर, ये टाइम वाले में आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं टाइम क्या हुआ है, एक मिनट, टाइम हुआ है 4:28। तो अपन ये भी सेट कर देते हैं, 3-4 सेट बटन से आगे किया उसको और फिर से इंक्रीज वाले बटन से उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो 28 पर लेके आएंगे उसको 4:28। अगली बार सेट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका किलोमीटर्स जो आते हैं वो सेट करने का, किलोमीटर्स आप चेंज कर सकते हैं माइल्स में देखना या किलोमीटर्स में, तो हम जनरली इंडिया में किलोमीटर्स ही सब जगह देखते हैं। उसके बाद जो बटन सेट करेंगे वो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फॉरेनहाइट में देखना है, तो हम से डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। सो ये आपकी सेटिंग हो गई है गाइस। तो अब आपका जो टाइम है वो सेट हो गया है, तो आप इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने इनिशियल वाले स्क्रीन पर आ जाएगा और वहाँ पर आपको करेक्ट टाइम दिखाएगा। वैसे मैं एक बार ये वाली बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने जब वो वाली बटन प्रेस करी तो ये इस स्क्रीन पे आ गया। अभी देखिए आप यहाँ पर टाइम बिल्कुल सही है, 4/28/13/02/2022। तो ये आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।